क्या नाम है भैया? दिनेश पटेल। पटेल साहब, आप यहाँ कब से रहते हैं? और ये बचपन से मैं यहीं रहता हूँ, ये अपना रेसिडेंस है यहीं रहते हुए। और हमारा मेरा जन्म हुआ उससे पहले का ही बावड़ी थी, उससे पहले का ही मंदिर था। आज ये जो कार्यवाही हो रही है हम तो उसको देख नहीं पा रहे, जबकि इस बावड़ी में हमारे परिवार के 4 लोग गए हुए और एक अभी हमारी भाभी वो जिंदगी और मौत के बीच में एक हॉस्पिटल में है। फिर भी हम चाहे मंदिर नहीं टूटे, लोगों की आस्था भावनाएं जुड़ी हुई है, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, मंदिर नहीं टूटे। बावड़ी हाँ, बावड़ी जो हुआ उसका सोल्यूशन बैठ के निकालना चाहिए, जो भी अच्छा सोल्यूशन निकले, मगर मंदिर नहीं टूटना चाहिए। हम ये चुपचाप से कार्रवाई की गई है, सुबह हमें मालूम ही नहीं रहा। सुबह 5:30-6 बजे यहाँ गाड़ियाँ आ गई, आवाज़ लगा, ये पूरा सील कर दिया, तब हमें मालूम पड़ा कि CM के ऑर्डर है। दोनों मंदिर तोड़ दिए गए, दोनों मंदिर तोड़ दिए, अंदर की पूरी बावड़ी में जो बावड़ी ये उनका है, ये मंदिर तोड़ के ये मलबा निकलेगा, उस वो मलबा पूरा बावड़ी के अंदर डालेंगे। अंदर जो शिवलिंग सालो जो वो शिवलिंग और उनको शिफ्ट कर दिया, कांटापुर मंदिर है जो हाँ? शिवलिंग पूछा थी, जो माता जी की मूर्ति थी, राम जी और सीता मैया की मूर्ति, वो तो पूरी पूछा थी कांटापुर मंदिर। क्या ये आपको अवगत कराया गया था रहवासियों को? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम रात तो 2 बजे तक यहाँ था, हमको 2 बजे रात को मालूम पड़ा, पूरा कॉलोनी वाले लोग रहवासी सब इकट्ठे हुए थे, मगर राजनीति जो भी अपनी थी अपन ने उन जान पहचान करी, पकड़ करी, मगर कुछ जवाब निकले। CM के ऑर्डर है, हमारे परिवार से 4 लोग गए हुए, आज हम यहाँ पूरा बचपन बीता हुआ है। हमारी मम्मी जो 40 साल से यहाँ की सेवा करती थी वो चली गई, इतना दुख हो रहा है। और ये भगवान का मंदिर बना, चंदे से बन रहा था, और आज ये टूट रहा है हमारी आंखों के सामने, तो कहने के लायक शब्द नहीं है हमारे। आपका नाम बता दें? दिनेश पटेल। मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान बता दिया आगे जाओगे। नहीं, ये जो पहले इसमें जब स्लेब डाला था आपको तो पता है कब डाला था, और अभी इसके बाद में फिर ये आज इसको तोड़ दिया गया। तो भैया 1969 से हैं, और 1969 का मंदिर था बावड़ी, और इस बावड़ी में हर साल 2-4 सुसाइड होते थे, इसलिए बावड़ी को बंद करवा दिया गया। और इसके ऊपर स्लेब नगर निगम ने 1983-84 में डाली थी, और उन्हें स्लेब में सरिये नहीं डाले थे नगर निगम ने स्लेब डाली थी, जाली लगाई थी, जाली के ऊपर उन्होंने फर्सी लगा के उसके ऊपर स्लेब भर दी थी। नगर निगम ने गलत किया था, और अभी जो कार्यवाही हो रही, नगर निगम अपने कर्मों को छुपाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो पुनर्निर्माण हो रहा था उसको अवैध बताकर कार्यवाही कर रही है। अभी ये मंदिर आपने बनवाया था बड़ी मेहनत से, और आपको बताया नहीं, लोगों ने बनवाया, हमने खुद नहीं बनवाया, सार्वजनिक रूप से, मतलब चंदा इकट्ठा की व्यवस्था हमारी माता जी, हमारी चाची जी, वो सब वही करते थे। यहाँ कोई मंदिर का मालिक नहीं था। जब इस मंदिर में नेतागिरी चालू हुई 3 साल पहले, ये ट्रस्ट बना मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए, ये तो रहवासियों का मंदिर ना, रहवासियों ने मिलकर बनाया ना, सार्वजनिक था, इसमें जो आए जो चाहे सो आवे सर, कोई मालिक नहीं था। आपको सूचना दी गई थी तोड़ने की? गाय की, हमको गाय की सूचना है, इसको सूचना देंगे, ये बता मालिक कौन, मंदिर का मालिक कौन? तो ये क्या नगर निगम अपनी बात को अपनी दबाने के लिए, प्रशासन अपनी कमजोरी को और अपनी असफलता को छुपाने के लिए कार्रवाई कर रही रात और रात। आपका नाम बता दीजिए? लक्ष्मीकांत पटेल। कार्रवाई पे तो क्या कह सकते हैं, हमने तो प्रशासन से निवेदन किया था, अगर जांच कर लेते और थोड़ा समय दे देते तो हो सकता है कि मंदिर को बचाया जा सकता था। भाई जिससे बावड़ी से दिक्कत थी, हम भी वो चाह रहे थे कि उस पर बावड़ी क्लियर हो जाए, बाकी मंदिर तो भगवान का घर है, उससे अगर हटाने से किसी को लाभ हो या किसी को इंसाफ मिले तो अच्छी बात है, बाकी अब प्रशासन क्या सोच के किया है ये तो समझ से परे। मतलब सर ये है कि जिन परिवारों ने खोया उनको लगता होगा कि ये हटना चाहिए, जहाँ तक हमारे संज्ञान में ये बात है, और कुछ परिवारों से चर्चा भी हुई थी। जैसे मैं रात को आया था यहाँ पे, तो सामने जितने भी गुजराती परिवार के लोग जिनके परिवार में कैजुअलिटी है, वो सभी बोल रहे थे कि भाई हम तो लिख के देने के लिए भी तैयार है, अगर प्रशासन उनसे बात करे, हमको मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि है कि ये ऐसी कोई आकस्मिक घटना हुई है जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई है, तो प्रशासन अगर एक बार उनसे उनका भी मत ले लेता, उनसे बात कर लेता, शायद हो सकता था कि मंदिर बच सकता। आप बेलेश्वर मंदिर से जुड़े हुए थे, पर्सनल क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे को लगभग 35 वर्ष हो गए हैं, मैं जब 10-12 साल का था तब से इस मंदिर में आता हूँ, तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इस मंदिर से वोट पाया भी है, तो उनके आस्था भी जुड़ी है, तो यही कहना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। एक बार अगर प्रशासन पुनः विचार कर लेता तो हो सकता था कि मंदिर को बचाया जा सकता था, पर अब प्रशासन ने किया है, अभी तक क्या है निर्णय, क्या किस स्तर पर निर्णय हुआ है वो भगवान ने। आपके मुताबिक जो बावड़ी है उसको ढक देना था, वहाँ जो मूर्ति प्रतिमाएँ हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर, उन प्रतिमाओं को और शिवलिंग को इधर शिफ्ट करके उसका जो बावड़ी वाला हिस्सा है उसको साफ कर देते, हमको कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, पर अब एकदम से इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, वो समझ में नहीं आ रही है, एकदम ऐसा
क्या हो गया अचानक से कि पहले तो बोला गया था कि जिनके परिवार में गमियाँ हुई हैं उनसे बात करेंगे 12 दिन बाद उनसे फिर करेंगे, पर अब ऐसा तो हुआ नहीं और एकदम से कार्रवाई होगी। इसमें मंदिर के अध्यक्ष और सचिव पर भी FIR दर्ज हुई है, क्या भूमिका थी उन लोगों की? जैसे अभी मेरे को ट्रस्ट की तो जानकारी नहीं है, लक्ष्मीकांत जी रहते हैं उन्होंने ये जानकारी दी। ट्रस्ट हमने अभी 3 साल पहले ही बनाया, ट्रस्ट जो है 3 साल पहले ही बनाया है। वो भी इसलिए बनाया गया था कि पहले तो महिला है और यहाँ पर सब सार्वजनिक मंदिर ही था, सब महिला संभाल दे व्यवस्थाओं के अनुरूप काम हो, इसलिए ट्रस्ट 3 साल पहले ही बनाया गया। पूर्व में तो सार्वजनिक रूप से सबके सहयोग से नहीं चलता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।